सारी सेहत अल्लाह जी नेमत आए। करना गाल मशहूर डॉक्टर जे साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर सायरा बानू जे साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, आवी हां डॉक्टर सायरा बानू प्रोग्राम में सेहत जराज डॉक्टर सायरा बानू के साथ। उम्मीद है बदे खैरियत से हुना। अल्हम्दुलिल्लाह असां भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ। ने हाणे जो है वापस रूटीन लाइफ की तरफ अची वे, पांजा ईद वीद सेलिब्रेशन्स बदे खत्म थी वे, लेकिन कोरोना तेजी से वधी रही है जिनकी वजह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी एक्सपेक्टेड है। तो मुझी आई सर मुझे सी गुजारिश है जो पुते के वो ख्याल रखो, पुते जा एस ओ पीस ते फॉलो करो जो कोरोना के हवाले से पांजे ले मखसूस करे व्या होए। ने साथ ही साथ पुते साथ साथ पुते कम्युनिटी जो भी ख्याल रखो, मास्क पहरो, अत साफ रखो, ने पुते जी सफाई जो भी ख्याल रखो, लेकिन सफाई ने इसमें मान है। जो कि आएंगे मालूम है कि मुझे शो जो है सेहत जराज, इनमें पंगाल करूँ दे सेहत जराज के मुतालिक ने पा अज तक घने डॉक्टर्स की इन्वाइट करी आई हूँ। ने इन शो जो मकसद जी है जो पा जो है पाँगी सेहत ते फोकस करूँ। ने शो की जो शो जी जो लैंग्वेज है वो मेमन लैंग्वेज ले रखी आई हूँ जी पाँगी कम्युनिटी लगे ने स्पेशली इन जर्नल भी है शो। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले बहुत शो से अड़ो थी रो है जो पाँजे वटे जो मेहमान अचन था वो बहुत वधारे सारा मेमन स्पीक नथा करी सकन, बोली नथा सकन पांजी जबान। ने पांजो कमी है जो पांजी जबान के प्रमोट करूँ, मगर सिर्फ जबान के हर्डल की वजह से अड़े सारे टैलेंट के आउ जया नथी करनो चाहिया। तो इन वजह से मुझे प्रोग्राम जो फॉर्मेट चेंज करम। लास्ट प्रोग्राम में भी आई नारिया यूरोलॉजिस्ट आवी हुई ने उनमें असा जो है प्रोग्राम के इन तरीके से मैनेज करिए जाए के चीज़ों भी समझ में अचन, आई के इन्फॉर्मेशन भी मिले, ने पाँजी बच्चिए के पाँजे बच्चे के पाँजे डॉक्टर्स के जो है वो प्रमोशन भी मिले, उन्हें आई के भी खबर पी कम्युनिटी में कड़ा कड़ा नायाब हीरा छुपेल आए। तो इन्हीं वजह से अज के प्रोग्राम में भी मुझे प्रोग्राम जो है जो वापस रंग बिरंगी है जो कि लास्ट प्रोग्राम वो खुड़े लेके बदे के खबर है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो अज के यार ब्यार रंग भी खेरल है, मुझे टकड़ी फीमेल डॉक्टर मौजूद है। बट डॉक्टर इन हवाले से ई थोड़ी डिफरेंट डॉक्टर है। नॉर्मली आओ जैसे तक बरकम या तो उनमें क्रो थी था जे सर्जन हूं था, प्रोफेसर्स डॉक्टर्स हूं था जो सर्जरी करना हूं था या पुते पुते जी फील्ड से रिलेटेड हूं था। मगर इडा जो है बहुत सेंसिटिव डॉक्टर क्या बरकम या बाटवा वेमन जमात से इनो ताल्लुक भी है छोकरी जो ने माशाल्लाह बहु वर्सटाइल ने मिलना तो है खुशी थी नी। ने साथ ही साथ जो इन जो टॉपिक है वो बहु यूनिक है, दैट इज साइकोलॉजी। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट इन माशाल्लाह डॉक्टर इन पीएचडी के करिया में यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी पे भी इन ने पोते ऑन उनते कॉल ते भी उनता। ने इन जे अलावा बहुत सा घड़ा हेल्थ शो भी करन था मीडिया ते अवेलेबल उनता, मगर वेमन न्यूज़ में पहली दफ़ा हुआ इन। डॉक्टर सना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका एंड नवाजिश मेहरबानी आई जी मुझे इनवाइट कर ला। बस बस इतनी ही मेहमान ठीक है तुम्हारी, वरना मेरे लिस्टनर्स बोर हो जाएंगे ये कैसी मेहमान है यार। मगर ये बहुत बुरी बात है कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए और बोलना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग नाउ। हां तो ये कोशिश तो है, बस को और इंप्रूव करें। मैं तुम्हें टिप्स दूंगी इसके। अगर किसी तातर के हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं, हाँ हमारे प्रोग्राम में जब हमने साइकोलॉजी से रिलेटेड और साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बात करने के लिए बुलाया तो ये बड़े खतरनाक इश्यूज भी होते हैं और इसमें हमारे लोग, मैं तो कहूँगी दोनों, चाहे मेल पार्टनर हो या फीमेल हो, किसी भी एज ग्रुप से हो, कहीं ना कहीं वो मुतासिर हो रहे होते हैं। सना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और आज आप हमें बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इतने सारे डॉक्टर बनते हैं तो सब जाते हैं या तो गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, ये बनते हैं, ये साइकोलॉजी का ख्याल कैसे है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। साइकोलॉजी का ख्याल आपको पता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। सो हमारी कम्युनिटी के अंदर आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि थोड़ा सा माइंड सेट डिफरेंट होता है, और लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को जो है वो तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, पढ़ लिख के उन्होंने करना ही है, शादी करनी है, घर बसाना है, नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू चेंज देयर माइंडसेट। ठीक है कि एटलीस्ट जो है आप लोगों को पहले समझ सको, आपको पता हो कि उस माइंडसेट के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, सो दैट यू कैन ब्रिंग चेंज, उनके अंदर पॉजिटिव चेंज को आप ला सकते हैं। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट माशाल्लाह से कि खुशकिस्मत हूँ कि इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। जब तक आपके फादर की, आपकी मदर की सपोर्ट ना हो, आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। एंड माई फादर सपोर्टेड मी अ
लॉट. इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे लोगों से जो है पंगे भी लिए, मोल लिए. बिकॉज आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, दाखिला लेना, यू नो इट्स नॉट एन ईजी टास्क. कम्युनिटी के अंदर रहते हुए बात करते हैं, लड़की यूनिवर्सिटी जाएगी, यू नो इस तरह की चीज़ें लड़कों के साथ पड़ेगी. अभी तक हमारा जो माइंड सेट जो है वो इस तरह का चेंज नहीं हो रहा था. सो इज दैट्स वाई आई वॉन्टेड कि नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट बनना है. सो एंड माई फैमिली सपोर्टेड मी एंड माशाल्लाह नाउ आई एम हियर. ये तो मुमकिन ही नहीं जड़े पा पेरेंट्स पाँचे बच्चे के सपोर्ट नहीं करूँ, पा पेरेंट्स पाँचे बच्चे के गिनी ने नहीं हलूँ, तो मुमकिन नहीं जो पाँचा बच्चा अग्न वन. तो इन करी नहीं बहुत जरूरी है जो पाँचे बच्चे के जो है ना फुली सपोर्ट करूँ, डेफिनेटली सारी चीज़ें में, ना कि ख़राब चीज़ें में. जी सना, ये बताइए कि अब हमें बताइए कि साइकोलॉजी होता क्या है और आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे डेवलप हुआ और आपने वहाँ क्या क्या सीखा. ओके, साइकोलॉजी का इंटरेस्ट जो है आपका ऐसे डेवलप, जैसे मैंने देखा आपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को मैं देखती थी कि लोगों के रवैये, एहसास, बिहेवियर, ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड. शुरू से ही आई वॉज वेरी सेंसिटिव. तो वन डे आई वॉज इन माई स्कूल लाइब्रेरी, तो मेरे हाथ किताब लगी और जो है वो जो साइकोलॉजी से रिलेटेड थी, मुझे लगा इट्स समथिंग रिलेटेड टू मी, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, उनके बिहेवियर, वो क्यों ऐसा करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें, एंड उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर आप पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर प्रॉब्लम्स का नहीं पता चले, आप उसके सोल्यूशन के ऊपर भी बात कर सकते हैं. सो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट. अच्छा, ये बताइए कि हर घर में साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं मैं आप हम सब इसका शिकार होते हैं. कभी ह्यूमन बिहेवियर हमें या अतराफ के लोगों के बिहेवियर हमें मुतासर कर रहे होते हैं, साथ रहने वाले बहन भाइयों के बिहेवियर्स भी होते हैं, कभी माहौल के, कभी जॉब से रिलेटेड, कहीं ना कहीं होते हैं. आपके ख्याल में फीमेल ज़्यादा सफ़र करती हैं या मेल? हम इस चीज़ को तायुन नहीं कर सकते कि फीमेल ज़्यादा सफ़र करते हैं या मेल, बिकॉज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम ये समझते हैं और हम ये कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक. हर इंसान यूनिक होता है और हर इंसान का जो है किसी भी प्रॉब्लम का असर लेने का अंदाज डिफरेंट होता है, तरीका डिफरेंट होता है. कोई ज़रा सी बात के ऊपर ज़्यादा दिल पर ले लेता है और कोई छोटी सी बात पर भी छोटी सी बात पर भी बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाता है और कोई बहुत बड़ी सी बड़ी बात पर भी बड़ा जो है मस्त मलंग रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो हर घर के अंदर है, उससे पहले ज़रूरी है समझना कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं, लॉजिक क्या है. सही. अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो हमें कम्युनिटी के पूरी जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सही. लाइक जहाँ पर आपकी कम्युनिटी, ऑल्दो हमारी वी आर ब्लेस्ड की कम्युनिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, हम जो है ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, हमारी नॉर्म्स, हमारे रिचुअल्स, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं और बड़ा उस पर चीज़ पे आप कंफर्टेबल भी फील करते हो. लेकिन एट टाइम्स बहुत सारी जगहों पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनको ठीक करने की ज़रूरत है. लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी दफ़ा कम्युनिटी के अंदर देखा होता है लड़कियों की जो लड़कियाँ जैसे ही पैदा हो रही होती हैं और जैसे ही वो बड़ी हो रही होती हैं, तो उनको कहा जाता है उनको तैयार ऐसे नहीं करो, तुम्हें अगले घर जाना है, ऐसे नहीं करो, तुम्हें अगले घर जाना है. यू नो सास ये करेगी अगर, तो फिर ये कहेगी कि माँ ने ये नहीं सिखाया है, माँ ने वो नहीं किया है. लेकिन आप अगर यही तरबियत लड़कों की भी तो कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि घर उसने भी चलाना है. लेकिन जब हम लड़की की शादी करते हैं तो उसको बोलते हैं शादी तो नाम ही कॉम्प्रोमाइज का है. हम कॉम्प्रोमाइज क्यों कहते हैं, हम शादी नाम खुशी का है, हम उसको खुशी का एलिमेंट क्यों नहीं रहने देते हैं. जब हम हर वक्त लोगों को यही कहते रहेंगे जी कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, उसमें फ्रस्ट्रेशन आती है. ठीक है, क्योंकि आपने तो ये वर्ड कॉम्प्रोमाइज इटसेल्फ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. बिल्कुल ठीक है, तब हम कहेंगे कि जी कॉम्प्रोमाइज करना है सिर्फ निभाना ही, तो उसमें खुशी का एलिमेंट खत्म हो जाता है, हमारे इमोशन, हमारे जज्बात, फिर वो बोझ बन जाता है, फिर वो बोझ बन जाता है. तो किसी भी रिश्ते को अगर बोझ बना के चलेंगे तो उसमें खुशी का एलिमेंट नहीं होगा, और जब खुशी का एलिमेंट नहीं होगा तो इंसान क्या कहता है, चल चलाना चलता रहता है, जब तक चलता रहे और बर्दाश्त करता रहता है. और इनकी मिसाल एड़ी जाए जो लास्टिक के जितरों भी खींचने आखिर वक्त लैक्स्टिक सिटी खत्म थी उन्हें नो टूटी तो उन्हें तो बस उन लेवल तेजी ने चीजू थी दैट इज द ब्रोकन
यस ठीक है। अच्छा ब्रोकन के हवाले से भी साथ साथ इसमें चीज़ पे वेरी गुड, आपने उसके पॉइंट को इसमें ऐड किया। हम बात साथ साथ क्या करते हैं कि ये चीज़ ट्रेनिंग के ऊपर तो करते हैं, और एक और चीज़ होती है फोकस करते हैं हम बातों पे जी, लड़कियों की एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन पे आजकल जो हमारी कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा होता जा रहा है कि हम कहते हैं नहीं आई है ना धीए के वधारे पढ़ाई हो। अरे धीए के वधारे पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ जो है आई छोकरे के भी तो जो है एजुकेट करो, फिर मैच नहीं मिलते, ठीक है, फिर आपका मैच नहीं होता, फिर मैच नहीं होता तो इम्बैलेंस हो जाता है, और जब भी कोई चीज़ बैलेंस नहीं होगी बिगाड़ तो पैदा होगा। अब जाहिर सी बात है, और जब एक पढ़ा लिखा है और दूसरा नहीं, और दूसरे का माइंडसेट बैकवर्ड है, तो आप ऑब्वियसली फिर आप लड़कियों पे इल्ज़ाम आता है कि जी वो पढ़ी लिखी है वो एडजस्ट नहीं करे, तो कैसे करेंगे, बिकॉज आपकी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स नहीं होती हैं, आपकी इमोशनल नीड्स हैं, आपकी मेंटल नीड्स हैं। शादी जो है मेरा ख्याल है हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत बेहतरीन जो कुरान में इस्तेमाल किया गया है, दैट इज द लिबास, हम एक दूसरे का लिबास है हस्बैंड एंड वाइफ, तो फिर वो लिबास कैसे फिट आएगा। यस बिल्कुल, जब आपकी बॉडी के उसके लिए परफेक्ट ही नहीं है उस लिबास के लिए, ठीक है, और आप साथ साथ खुश भी नहीं, हम अगर किसी पार्टी में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, कितने लिबास चूज करते हैं, पूरा बेड फैला देते हैं, पूरा कमरा फैला देते हैं कि नहीं जी नहीं ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है, इसको ज़्यादा, इसमें आई लुक परफेक्ट, इसमें आई लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, हम वो वाला चूज़ करते हैं। लेकिन जब पार्टनर की बात आती है तो यहाँ पर भी हमारे उसमें पेरेंट्स क्या कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं लड़का लड़की अगर अपनी पसंद की शादी का इजहार कर दें या कम्युनिटी से बाहर करने का करें तो बहुत बड़ा कोहराम मच जाता है कि नहीं जी ये चीज़ पे नहीं करना, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग जो है आपका जो है रिलेशनशिप होता है, अगर आप उसके अंदर आपकी रजा आपकी पसंद शामिल नहीं है तो ये सारे वो फैक्टर्स, तो शरीयत ने भी ये भी आपको आपके रिलीजन ने भी आपको राइट दिया है, और जब आपके रिलीजन ने आपको ये राइट दिया है तो हम कौन होते हैं इस राइट को जो है गजब करने वाले, उसको ख़त्म करने वाले। अदर देन दैट इसके अलावा भी हम ये कहेंगे कि ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि लड़कियों दिए के वधारे पढ़ाए और छोकरे की तरफ कोई फोकस नहीं होता, ज़्यादातर उनको क्या है बिजनेस ही तो करना है, बिजनेस तो करना है या बाप दादा का बिजनेस संभालना है। देखिए इल्म जो है ना वो जहन खोलता है, और जब इल्म होगा, और दूसरी एक बात ये भी है कि अगर वाइफ ज़्यादा पढ़ी हुई होती है और हस्बैंड कम होते हैं तो मैंने देखा है कहीं तो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं और वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनकी वाइफ इतनी क्वालिफाइड है, वो बड़े फ़ख्र, लेकिन कुछ कहीं कहीं देखें हर इंसान की, जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि एक हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, तो जेलसी फील आ जाती है। यस बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि अभी जेलसी फैक्टर आ जाता है, यू नो हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यू नो, और इसके इससे हम जो है इनकार ही नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने मर्द को जो है वो इख्तियार दिया है, पावर दी है, और हम उनसे उससे इनकार हम मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन जो है जब आपके पास पावर का इस तरीके से इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है जहाँ पर एक है और हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, वहाँ पे मर्द की ईगो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि ऑब्वियसली वो इम्बेलेंस जब शुरू हो जाता है, और फिर क्यों नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है कि हमने शुरू से उनकी ट्रेनिंग ही नहीं की है, हमने उनको बताया ही नहीं है कि क्या चीज़ करनी है, कैसे किस तरीके से एक्सेप्टेंस लानी है अपने अंदर, कैसे अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है, और इवन शादी से पहले भी हमारे यहाँ पे क्या होती है, सही, शादी भी जब हो रही थी तो बस शादी करनी है इसलिए कि अब ये बड़ी हो गई है, यू नो टीन एज के अंदर आ गई, 13-14-15 साल की उम्र के अंदर जो है वो माओ को जो है वो परेशानी होना, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, और पूरे के पूरे सारे लोगों को जो है वो फिक्र लग, इवन सिर्फ माँ बाप को नहीं पूरी इर्द गिर्द के कम्युनिटी को, लोगों को फिक्र लग जाती है कि नाओ दी बड़ी थी भी है, अब जो है इसके लिए जो है वो रिश्तों का जो है वो चीज़ पे करना। अच्छा ये जो कॉन्स्टेंट प्रेशर हम जो है एक दूसरे को दे रहे होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल, आपने बेटी को तो वो चीज़ को करी लेकिन बेटा भी तो बड़ा हो रहा है, बेटे की भी तो इमोशनल नीड्स हैं, हम एक तो एक और चीज़ भी हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि हम बेटे को जो है वो कहते हैं उसके ऊपर बेचारे को कमाने पे लगा दिया कि दुकान संभालेगा, घर ये संभालेगा, कारोबार करेगा, बस उसको बिजनेस करना, उसकी भी अपनी इमोशनल नीड्स हैं, हम उसको रोने नहीं देते, मारू रूनता थोड़ी छोकरा, तब रोते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं, यू नो हम इस तरह की बातें उस चीज़ पे करते हैं, क्यों, उसके अंदर भी तो इमोशंस हैं, उसके अंदर भी इंसान है, सबसे बड़ी बात वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है, इवन अपने माँ बाप के साथ कोई बात शेयर कर सकता है। लेकिन एक और बात, मैं तो बातें जब निकलती है ना, जब क्योंकि आई एम इन प्रैक्टिस,
और जब आप लोगों के जो आपके पास लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो मेरे पास तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स की लिस्ट है कि किस किस तरीके से जो है वो उनके साथ अब्यूज़ हुआ होता है। बहुत सारी दफ़ा हम घर के अंदर समझ रहे होते हैं जी, इवन सास ससुराल वाले भी जो लड़की के ऊपर कर, अच्छा बेचारी एक तो छोटी सी लड़की, अगर जब वो शादी करके किसी और घर के अंदर जा रही होती है राइट, वहाँ पर भी उसके लिए एडजस्टमेंट के हवाले से उसको टाइम तो दे उसको एडजस्ट होने का, ठीक है। हम समझते हैं डे वन से वो हमारे साथ डे वन से ट्रेन होके आएगी और फिर उसको ताने देना शुरू कर देते हैं कि तुमने ये किया तुमने वो किया, और फिर वो कहते हैं हमने मार पिटाई तो नहीं की। मार पिटाई ज़रूरी नहीं है कि आपने फिजिकली किसी को हार्म किया वो नजर आए, इमोशनली आप उसको कितना ज्यादा जो है वो टॉर्चर कर रहे हो वो किसी को नजर नहीं आता, आप किस तरीके से रोज उसकी रूह को घायल कर रहे हो, दिस इज पेनफुल एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि सिर्फ जख्म जिस्मानी नहीं होता, बिल्कुल जहनी रूहानी जबान का जख्म तो वो होता है जो भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, जिस्मानी जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, बिल्कुल जबान का जख्म तो फिर भी नहीं भरता भाई, सारी जिंदगी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ रहता है, बिल्कुल। इन प्रोग्राम में हम पां घाल करी रही हूं सेहत जे मुतालिक ने, सेहत ले बहुत जरूरी है जे पांजे मेंटल स्टेटस पांजो माइंड सेट जो है वो हेल्दी हो, पांजो ज़हन जितरो सेहतमंद हो ना इतरोज पां सारो परफॉर्म करी सकने, पांजो अकड़ो खराब एटीट्यूड या अकड़ी खराब गाल या अकड़ी सख्त गाल कोई सामने वाले बंदे जी पूरी जिंदगी खराब करी देती कड़े कड़े, इन चीज के बचाए ले करी ने इन्हें पोते जी कम्युनिटी जी इन चीज ते जो है एजुकेशन कर ले या यानी के राह ॾेखारे ले पाण डॉक्टर सना के बरके यूं ने जो अचन जो मकसद जी है जो पाण टॉपिक ते ॻाल्हि करूं जो पंहिंजे घर जे अंदरि रहते हुए ज़रूरी ने जे इंसान बीमार हुए तो ज परेशान हुए, बासे दफ़ा आपस जी मिसअंडरस्टैंडिंग ने पोते के जो है ज़रूरत से वधारे एक्सपेक्टेशन पंहिंजो सम्झी कनि उते तो उन लेवल ते अची ने भी पाप उते ले ज़िंदगी अजी रन करे ॾियूं ते। अच्छा डॉक्टर सना ये बताइए मुझे कि एक तो आपने बताया कि मतलब हमने बहुत सारी इस टॉपिक पे भी बात कर ली कि हमारे यहाँ मैचेस नहीं मिलते हैं क्योंकि तालीम का फुकदान दोनों तरफ कभी एक तरफ, फिर सेलेक्शन हमारा ऐसा होता है कि छोटी लड़की होगी तो जबान नहीं चलाएगी खामोश रहेगी बैठेगी, ये भी एक माइंड सेट है। इन सब चीज़ों को ओवरकम हम कैसे करें, कैसे क्या हम कोई ट्रेनिंग सेशन क्लासेस खोलें और अपनी कम्युनिटी की उन औरतों को बुलाएं जिनके बच्चे टीनेजर्स हो गए और वो अपने शादियां करने जा रही हैं, क्या उनको तालीम दें, हम कैसे समझाएं। ओके, मीडिया के थ्रू तो एक सेक्शन खोला है, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि हम कैसे उनको समझाएं। देखिए ये हर लेवल पे ज़रूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो आप लोगों ने ये स्टार्ट किया है जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को जो है वो एजुकेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो हमारी कम्युनिटी के जो सारे बड़े अहदेदारान हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पे, WMO भी है, APMF भी है और अपनी अपनी जमातों के भी जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि हम बेसिकली हमारे यहाँ तो पहले ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, हमें तो पता ही नहीं होता, हमें तो यहाँ तो हमें तो बस शादी करनी होती है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरी, ठीक है ना, हमें वो नहीं होता कि आपको पता असल ही होता। मसला ये ना कि हमने शादी को बोझ बना दिया है, बोझ कुछ हमने अपने रस्म और रिवाज इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि उसकी वजह से माँ बाप के लिए फिक्र होती है कि बस अब ये एक दो तीन चार लड़कियां हैं तो फिर वो बेचारे सोच में ही होते हैं कि किस तरह बोझ उतारते हैं। यस, सबसे पहले उनको ये एजुकेट करेंगे, देखो अगर आपने बोझ, अल्लाह ताला क्या कहता है कि जो चीज़ आपने आप बेटी को जब वो पैदा करता है तो वो कहता है मैं उसके बाप का खुद ही सहारा बनूंगा, ठीक है, आपने वो चीज़ पे कह दिया, लेकिन हमारा इसका मतलब है कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम जो है क्या करते हैं, बेटी पैदा होती है उसको बोझ उसी वक्त से समझना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जो भी रिश्ता आया जैसा भी आया चाहे वो नशा करता है चाहे वो कमाता नहीं है चाहे वो मारपीट करता है क्योंकि आपने शादी करनी है दैट्स वाई आप शादी कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेन करना ज़रूरत है पेरेंट्स को बताने की कि जी लड़कियों को आपने अगर आपने खुद मुख्तार करें, छोटी छोटी एजेस के अंदर मैंने देखा है बहुत सारी छोटी छोटी एजेस के अंदर लड़कियां जो है उनको खुला लेनी पड़ी, उनको डिवोर्स लेना हुई, ठीक है, तो क्यों, इसलिए कि या तो ससुराल वाले ऐसे मिल गए उनको कि जिन्होंने उनकी उनकी कदर नहीं की, उनको एक्सेप्टेंस नहीं दिया, बहुत सारी दफ़ा ऐसा चीज़ होती है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले हमारी कम्युनिटी के लोगों को बदलने की ज़रूरत है अपना जो पुराना माइंडसेट है, वक्त के साथ इंसान को चलना पड़ता है बदलना पड़ता है, लड़कियाँ बोझ नहीं होती हैं,
लड़कियों को आप जो है वो अपना बाजू बनाएं, आप समझें कि वो आपके साथ जो है वो काम कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, और किस्मत पे भी यकीन होना चाहिए हमें कि हम अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा भी होना सबसे बड़ी बात, हमारा अल्लाह पे यकीन नहीं है ना, हम दुनियावी असबाब तो ढूंढ रहे होते हैं, साथ साथ इसके साथ साथ और चीज़ें करने की ज़रूरत है कि हम, हमारे पास इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं, बहुत कुछ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वहाँ पर जो है डिफरेंट पेरेंट्स या नए पेरेंट्स जो बन रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अभी जो नए जिनकी शादी हो रही है हम उनको काउंसिल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जी इस रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, यू शुड नॉट एक्सेप्ट अदर पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। आप बहुत सारी दफ़ा घर क्यों दबाव रहते हैं जहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ठीक है, बेसिक वजह यही होती है कि जी आप लड़के के माँ बाप लड़के को उसकी ज़िंदगी जीने नहीं देते और हमेशा उसकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेरेंस करते रहते, और लड़कों को भी ये पता नहीं होता कि कैसे डील करना है, क्या करना है, कैसे जो है वो बैलेंस वही देखा होता है ना, वही चेंज चल रहा होता है, वही ना, जब आपने वही चेंज चलता हुआ देखा है तो आप उसी लकीर के फकीर बने रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर शादियां खानदानों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, कास्ट के अंदर, तो आपका माइंडसेट जो है ना वो, और आपका जो जो होराइजन है ना वो ब्रॉड नहीं होता, आप एक लिमिटेड सर्कल के अंदर रहते हैं, तो कैसे आपका जो है वो राइजन ब्रॉड होगा, कैसे आप दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकोगे, अंडरस्टैंड कर सकोगे, नए कल्चर को, नए लोगों को, नए रस्म और रिवाज को, नई एजुकेशन को, यू नो, नए एक्सपीरियंस को आप कैसे करोगे, आप उसी, लेकिन इसका एक और भी बना नुकसान होता है कि जब आप अपने घर के अंदर ही शादियाँ कर रहे होते, यू नो, बहुत सारे जो आपके साथ फिजिकल बीमारियों के साथ साथ मेंटल आपके डिसऑर्डर्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं और किसी को ये नज़र नहीं आ रहा होता, यू नो, बहुत सारी दफा आपने थैलेसीमिया के अंदर आपने देखा होगा, वो थैलेसीमिया जो है वो इवन डाउन सिंड्रोम के जो है वो इस तरीके इस पे चीज पे हो रहा होता है, ये तो फिजिकल है, लेकिन साइकोलॉजिकल इसमें स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इवन हमारी कम्युनिटी के अंदर तो लोगों को पता भी नहीं है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर जो है, इसीलिए तो बुलाया है हमने, ठीक है, सो उस पे तो वो पूरा लंबा जो है वो, नहीं आप पे तो बहुत सारे सेशन करेंगे, अल्लाह करे कि मेरे प्रोग्राम को लोग जो है वो तनकीद की निगाह से ना देखें बल्कि तामीरी निगाह से देखें। यहाँ काम हमारा यही है कि हम अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट पे काम करें, मेंटल डेवलपमेंट पे काम करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे पास बहुत आ रहे हैं। हम एक 16 साल की लड़की लेके आते हैं और बखुदा मेरा कतन ये मतलब नहीं है कि छोटी उम्र में शादी, देखिए छोटी उम्र की शादी हर तरह से नुकसानदेह है, बच्ची जब जन्म देती है बच्चे को तो उसमें भी उसको बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो खुद एक बचपने की स्टेज में होती है, लेकिन यहाँ लोग मुझे मिसालें ये देते हैं कि जी नाउज़ बेटा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तो छोटी थी, तो भाई आप किसको किससे मिला रहे हो, आप किस हस्ती को किससे मिला रहे हो, आप अपने थी, अगर वो छोटी थी तो उनका पार्टनर भी कौन था, देखिए भी तो आप किस हस्ती को किससे मिला रहे हो, अच्छा मिला भी रहे चलो ठीक है आप मिला लो, लेकिन आप वैसा पार्टनर भी तो प्रोवाइड करो, बस वो तो अपने अपनी तरफ से तो कोई नहीं दिखता ना, ठीक है आप अपनी तरफ से वो चीज पे, वही बात है कि आप जो है इस चीज को समझें, छोटी उम्र की शादी, बाकी उम्र की लड़कियां कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर हावी होंगी, आपका अंदर का खौफ होता है, आप अगर एक मैच्योर बच्ची लेके आते हो तो वो मैच्योरेंस से आपका घर चलाएगी, ना कि वो बचपना दिखाएगी और बचपना करेगी कि फिर आप परेशान होंगे, तो ये एक और फैक्टर ये भी तो होता है कि हमारे यहाँ पे जो छोटी बच्चियाँ लेके तो, लेकिन आप लेके किसके लिए आ रहे हो, बड़े बड़े लड़के मेल्स के लिए जो होते हैं, ये भी एक एज वाला भी, और एक भी एक फैक्टर भी होता है, यहाँ तो ये शिकायत हो जाएगी कि दो औरतें बैठी हैं तो औरतों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, यकीनन हमारा ये मकसद नहीं है, यहाँ मैं लड़कों के लिए भी बात करूंगी, अमूमन ये होता है कि लड़के शादी की उम्र हो जाती है मगर वहाँ पे घर वाले शादी इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है या कोई सेटअप नहीं है, तो वो सपोर्ट कैसे करेंगे, आने वाली को क्या खिलाएगा क्या पहनाएगा, ये एक सवाल है। नहीं, हमारे कम्युनिटी के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं कि सपोर्ट कैसे करेंगे क्या करें, सबसे बड़ा इशू क्या है, बहन बेटी है, इससे पहले भाई शादी नहीं कर सकता, ये भी एक बड़ा खतरनाक ये सबसे बुरा करते हैं घर वाले, अगर बेटे को जो है इसलिए रोक देते हैं कि जी बहनें बैठी हैं, जब तक बहनों की नहीं होगी भाई की नहीं होगी, ये सबसे बड़ा जुल्म आप उससे करते हैं, अगर वो करना चाहता है और वो जो है एक एज है ना उसकी एज है और वो करना चाह रहा है, वो विलिंग है, ठीक है, तो आप कौन होते हैं उसके ऊपर जो है उसको रोकने वाले, तो आप उस तरीके से ना करें, बीइंग अ पेरेंट आप सबके पेरेंट्स हैं,
सही, आप सिर्फ लड़की के माँ बाप नहीं है, आप लड़के के माँ बाप भी हैं जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर ये करके कि नहीं जी आप जब तक बहनों की नहीं होगी वो कितनी बहनों तक पे इंतजार करेगा। सही बात, अगर एक की इसका इसकी भी एक वजह होती है ना, वो ये खतरा होता है कि हमारे घर के जो रहन सहन तरीके हैं वो बहू आएगी तो खुल जाएंगे, बातें बाहर निकलेंगी तो फिर हमारी बेटियों को कौन बिहाएगा, तो पहले हम सारी। इसका मतलब है कि आपका आपके दिल में डेफिनेटली इसका मतलब है कि अगर आप ठीक, इसको बहुत लाइटर मोड पे लीजिएगा लिसनर्स और व्यूअर्स, इसको बहुत लाइटर मोड पे लीजिएगा और अपनी सलाह कीजिएगा। देखें हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता और कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सलाह करें ताकि हमारे घरेलू हालात बेहतर हों। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ना खुदा ना खास्ता बीमारी हो तभी आप परेशान हों बीमार हों, बल्कि ये छोटी छोटी सी बातें आपको कितना मेंटली टॉर्चर करती हैं और इसकी वजह से कितने घर खराब होते हैं। आप देखिए आए दिन डाइवोर्स रेट्स वैसे ही बढ़ गए हैं दुनिया में और हमारी कम्युनिटी में भी हम देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको आपने पता है पिछले दिनों जो हमने जो अगर रिपोर्ट्स पढ़ी हों और अखबार में न्यूज़ में पढ़ा हूँ, पिछले साल सिंध के अंदर तकरीबन आपके पास जो है 6,000 के करीब जो है वो खुला के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो अनरजिस्टर्ड है उनकी तो कोई लिमिट नहीं, खुला के हुए हैं, तलाकों की तो बात अलग है, ये खुला के रजिस्टर्ड है, ठीक है। और सिर्फ सिंध आप कराची के अंदर सिर्फ 4,000 जो है। यहाँ पर फिर भी वही बात आती है कि भाई खवातीन को हम इसीलिए कम पढ़ाते हैं कि जब 4 जमातें पढ़ लेती हैं वो खुला के लिए खड़ी हो जाती है अपने हक के लिए, लेकिन अब हम जब नंबर ऑफ केसेस देख रहे हैं तो उसके अंदर उससे पढ़े लिखे और लिखे ना पढ़े लिखे होने का कोई ताल्लुक नहीं है। देखें तालुक ये था कि लाइक आप जब एक साथ, ये जो पिछले उसमें हुआ है पैंडमिक के अंदर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक अपडेटेड, मर्द ज्यादा घर में बैठे ना, ठीक है, मर्द ज्यादा उस चीज पे हुए कि आपने एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं दी, बर्दाश्त नहीं किया, सब्र नहीं किया, जिसकी वजह से जो है बस चीजों के, क्योंकि हमें डील करना नहीं आता ना डिफरेंट सिचुएशन के साथ कि कोप कैसे करना है, ग्रैटिट्यूड कैसे पे करना है, एक दूसरे को अप्रिशिएट कैसे करना है, अगर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर जाते हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कस कैसे करना है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें दुनिया के साथ डिस्कस करते हैं, जिसके साथ मसला है उसके साथ नहीं करते, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट इशू है। अब सर ना हमारे प्रोग्राम का टाइम तो आधा घंटा है और आपने तो ऐसे ऐसे टॉपिक छेड़ दिए कि मेरा तो यहाँ से उठने कोई दिल नहीं चाह रहा बट पांजी पूरी कोशिश होनी जब मैं डॉक्टर सना के इन टच रखूँ ने पाए निसी घना सेगमेंट कराएं। सना आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, मेवन न्यूज आपको गाहे बगाहे जहमत देते रहेंगे और हम आपको बुलाएंगे अपने सेगमेंट में। एडा पाए कि इन्हीं के बरकरार जो मकसद दी जाए जब आप जो कौम है पांजी जो बिरादरी है इन्हें जी इसलाह करो, इसलाह इन लेवल ते उन्हीं ने करो जो घर के अंदर जो मसाइल इन वो मसाइल जो दिखन में की नथा डिसाइन डिसन में नथा अचन लेकिन वो मेंटली इतरो फ्रस्ट्रेट करी दींदा जे कडे कडे घर टूटी वनता या नहीं घर टूटन जो बदे सी वधारे इफेक्ट माड़ू बाड़ी ते तो थे तो ही थे तो लेकिन बदे सी वधारे सफर करन था बच्चा जो ब्रोकन फैमिली जो बच्चा होता उन्हें जी क्रो हालत हुई थी उन्हें जो क्रो मेंटल स्टेट हो तो जिंदगी भर वो अकड़ी कमी के साथ हलन था जिन जो कोई मदावो नहीं जो प्यार अकड़ी माँ ने अकड़ो पे साथ रही ने रही डी सिग्ना अकड़े बच्चे के वो अकड़ अलग अलग थी उन तो वो बच्चे की शख्सियत कितनी मुतासर थी इन जो कोई तस्वर न थो करी सके सिर्फ वो समझी सके तो जो इन सफर से गुजरियो हुए तो मुझे आए बदेसी मुअद्दबाना ये अपील है जो खुदा के वास्ते आए जो है इन चीज़ के अटेंशन करो नारो। डॉक्टर सना पांजी कम्युनिटी जी है माशाल्लाह पेशेंट भी ना रहती आईसी भी डिस्कस करनी मेमन न्यूज़ से भी अचनी असा इन्हें भरकाया करना है और इंगड़ी तो फिलहाल आओ जैसे अपने मैसेज गिनी गिनाती अजे प्रोग्राम के पाएडा वाइंड अप करने नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ब्यार जहमत दीने ने पछि आए जे सवाल दे मथे रखी ने सगाल करने। सना कम्युनिटी लगे ने कोई सारो सो मैसेज? ओके कम्युनिटी के लिए बस मैं इतना कहूँगी आज जो मैंने बहुत सारी बातें की भी थोड़ी सी हार्श हो ठीक है लेकिन अगर इस पर ज़रा सा सोचे कि एक माँ बाप अगर जैसे एक माली है पौधा लगाता है तो कितना ख्याल रखता है कि प्रॉपर खाद उसके अंदर डाले प्रॉपर धूप छाँव का ख्याल रखे पानी सही टाइम पे दे। आपकी औलाद को भी आप ऐसे ही ट्रीट करें अपनी कम्युनिटी के बच्चों को भी ऐसे ही ट्रीट करें क्योंकि वो भी एक पौधा है वो तनावर दरख बनेगा उससे ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी को जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि हमारे मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचेगा साथ साथ आपकी नस्लें भी जो है वो हेल्दी नस्लें होंगी ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। थैंक यू ज़बरदस्त बहुत सारा मैसेज जिना एडा पा प्रोग्राम केड़ा वाइंड अप करूँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के साथ ब्यार हाजिर थे इस प्रोग्राम है सेहत जराज डॉक्टर सायरा बानू के साथ मुझे इजाज़त दियो अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। सारी सेहत अल्लाह जी नेमत है करना गाल मशहूर डॉक्टर जी साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर सायरा बानू जी साथ।